हेलो फ्रेंड, नमस्कार। नीरू किचन में आपका स्वागत है। आज आपके नीरू किचन में बनेगा बहुत ही हेल्दी अचार, नींबू का अचार। नींबू हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत जब फायदेमंद होता है नींबू का अचार, तो हम आज नींबू का अचार बनाएंगे और इसको आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा और अपने खाने में डेली, नहीं डेली तो कभी कभार हम इसको अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसमें हमारे पेट में कोई दिक्कत नहीं होती, खाना पचने में आराम होता है। इसमें जो जो चीज़ें मिलाई जाती है ना, सब पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद, हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद ही होती है। तो हमने लिया है सादा नमक। सादा नमक हमने 3.5 चम्मच लिया है। काला नमक मैंने 3 चम्मच के करीब, 2.5 से 3 चम्मच के करीब लिया है। सादा नमक खाने वाला जो नमक हम यूज करते हैं वो वाला नमक है, और ब्लैक नमक है, काला नमक। और हमने लिया है अजवाइन। अजवाइन भी पेट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद ही होती है। तो अजवाइन को ऐसे मसल दीजिएगा, थोड़ा सा मसलने से के बाद डालिएगा उसको, फिर मसल के तो हम उसी में नमक में अजवाइन को मिला देते हैं। ये बन रहा है हमारे नींबू के अचार का मसाला। तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर पाउडर आप घर पर भी बना सकते हो। काली मिर्च को आप पीस लीजिएगा, तो मेरे पास मार्केट का था तो मैं उसी को डाल दे रही हूँ, आप घर पे पीस के बना सकते हो। बस इन्हीं मसालों के द्वारा हमारा नींबू का अचार बनेगा। आप इन सब मसालों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से, देखिए ऐसे मिला लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा काला नमक जो है उसमें थोड़ा सा गुठलिया गुठलिया टाइप का था, तो जब अच्छे से मिला लोगे तो ये हमारे साथ नमक, अजवाइन, काली मिर्च सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे जब अच्छे से, तो हमारा मसाला बनके एकदम रेडी हो जाएगा। देखिए हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है। अब हमने ये फ्रेश नींबू लिया था, एकदम फ्रेश नींबू है, धुल के मैंने रख लिया है उसको, कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है, पानी एकदम सूख चुका है। अब उसको मैं अब चाकू से ऐसे देखिए 4 पीसेज में आपको काटना है, लंबाई में लेते हुए आपको काटना है। लंबाई में पहले एक बार ऐसे काट दीजिए, नीचे से उसका जोड़ लगा रहना चाहिए। जैसे मैं काट रही हूँ ऐसे देखिए, ऐसे काटिएगा। ऐसे काटने में जब आप अचार बनाओगे तो एक एक स्लाइस आप निकाल के अच्छे से खा सकते हो, और बाकी स्लाइसें बाद में, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ले लो। हाँ, ये भी लोग बहुत लोग इस तरह से बनाते हैं, जैसे चार चार मैं एक में जुड़ा हुआ बना रही हूँ, वो चारों को अलग करके काट के एकदम बनाते हैं, गोल गोल काट देते हैं, पीसेज में बना देते हैं, जैसे मतलब। लेकिन ऐसा बनाने पे क्या होता है कि मसाला भी हमारा अच्छे से भरा रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। जब जब हमको खाना होता है एक स्लाइस हम निकाल लेते हैं, बाकी सब पड़े रहते हैं। फिर बाद में जब हमको खाना होता है फिर हम एक स्लाइस निकाल देते हैं। जितने लोगों को जिस हिसाब से देना लेना रहता है ऐसे कर लेते हैं। तो आपको ऐसे स्लाइस में कट कर लेना है, पहले एक बार काटिएगा, दोबारा उसी स्लाइस को दोबारा काट दोगे तो 4 में हो जाएगा, और नीचे से थोड़ा सा जोड़ बाकी रहे ऐसे हमको चीरा लगाना है। देखिए जैसे चाकू से मैं लगा रही हूँ, ऐसे ही आपको कट करना है, नीचे से जुड़ा रहना चाहिए। तो सारे नींबूओं को आप इसी तरह से कट कर लीजिएगा। इस तरह से कट करके बनाइएगा तो आपका अचार जो बनेगा वो और अच्छा बनेगा, क्योंकि नमक उसका बिल्कुल अलग नहीं होगा, और वो जब नींबू में नमक भरा रहेगा, हमारा मसाला भरा रहेगा, तो बहुत जल्दी से गल भी जाता है और अच्छे से भीन जाता है। और जब अलग अलग पीसेज आप कर देते हो, मसाले डालते हो, तो कुछ डिब्बे में रह जाता है, कुछ बच जाता है। तो मेरे सारे नींबू मैंने कट कर लिए हैं, अब मैं मसालों को उसमें डालूंगी। देखिए कितने अच्छे से मसाले भर जा रहे हैं, कितने ढेर सारे मसाले भर जा रहे हैं, क्योंकि नीचे से तो जॉइंट है। तो हम ऐसे थोड़ा थोड़ा फैला के, पहले बीच से फैला के एक तरफ भर देंगे, फिर दूसरी तरफ से फैला के भर देंगे। इस तरह से देखिए जैसे मैं भर रही हूँ मसाले, ऐसे ही आप भरिएगा और फिर उसको जोड़ के ऐसे रख दीजिएगा। तो इसी तरह से आपको सारे नींबू को अपने ऐसे ही भर लेना है मसालों से, और ये मसाले जब अच्छे से भर जाते हैं ना, तो फिर हमारा नींबू गलने में और उसका जो मसालों का स्वाद है वो भीनने में समय ही नहीं लगता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा भी होता है। तो आप नींबू का अचार घर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम मसाले वाला अचार तो बहुत यूज करते हैं, ये ऐसा अचार है कि इसमें कोई मसाला नहीं, जो चीज़ें पड़ी हैं वो फ़ायदेमंद ही है। नींबू भी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, काला नमक भी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, और अजवाइन तो फ़ायदेमंद है ही है, काली मिर्च तो फ़ायदेमंद है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है कि जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो आप इस अचार को ज़रूर बनाइए। घर में कहा जाता है कि दवा के रूप में भी यही रहता है कि आप अगर खाने में इसको यूज कर रहे हो ना, तो फिर हमको पेट संबंधित तो कोई दिक्कत होती ही नहीं जल्दी, क्योंकि हम डेली ऐसा दवा के रूप में ले रहे हैं और अचार भी है ये। तो इसी तरह से आप सारे नींबूओं को भर लीजिएगा, और आज हमारा धीरे धीरे ऐसे भर के अचार हमारा सारा
रेडी हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस ये है कि इसको तुरंत आप यूज नहीं कर सकते हो, इसको कम से कम एक हफ्ते के बाद आप यूज कर सकते हो। तो हमारे सारे नींबू अच्छे से मैंने भर लिए हैं, ये थोड़े से मसाले बच गए हैं, ये जब मैं बाद में डिब्बे में रखूँगी नींबू तो उसके ऊपर से डाल दूँगी। देखिए सारे नींबू हमारे अच्छे से कवर हो गए हैं, मैंने सबको मसालों से अच्छे से भर दिया है, देख रहे हैं ना, एक भी मसाला बाहर नहीं निकल रहा है। वो अंदर से नींबू का रस रहता है तो सारे मसालों को अच्छे से चिपका लेता है। अब इनको ऐसे ही उठा के हम डिब्बे में अपने कंटेनर में रख देंगे, ऐसे सीधे सीधे ही रखेंगे कि मसाले बाहर ना, इसीलिए मैं कह रही थी पीसेस पीसेस आप काटोगे तो मसाले तो डाल दोगे लेकिन मसाले डिब्बे में भी रह जाते हैं। और इसमें इस तरह से आप अगर चीरा लगाओगे और फिर मसालों को भरोगे तो सारे मसाले हमारे अचार में ही रहेंगे। जब अचार खूब सारा गल जाता है तब मसाले बाहर आते हैं, उसके पहले अदर नहीं आएंगे। तो आपको इसी तरह से जिस तरह से मैंने भरा है सेम ऐसे ही भरना है, और आपको ऐसे ही उसी पोजीशन में एकदम खड़ा खड़ा करके मसाले को जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको ऊपर करते हुए नीचे वाले हिस्से को नीचे करते हुए इसी तरह से आपको डिब्बे में अच्छे से रख देना है। और ऐसे अगर आप रखने को तो किसी भी तरीके से रख सकते हो, लेकिन ऐसा रखोगे तो मसाले हमारे भर जो मैंने ये सोच के भरा है कि मसाले बाहर ना आए वो बाहर भी नहीं आएंगे। और आपको कंटेनर भर के धूप में रख देना है, एक हफ्ते के बाद ये अच्छे से गल जाते हैं और आप उसके बाद आराम से यूज करिएगा। अगर फ्रेंड हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका नींबू का अचार कैसा बना था। और नींबू का अचार आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये ऐसा अचार है कि बाकी सब तेल मसालों से युक्त अचार होते हैं, लेकिन ये ऐसा अचार है कि इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं पड़ी रहती जो हमें नुकसान करे। टेस्ट के लिए तो हम बहुत सारे अचार बनाते हैं लेकिन ये बिना टेस्ट भी इसमें रहता है और कुछ भी नुकसानदायक नहीं रहता है। तो आप इसको बना के अपने घर में रखिए, और आप खाने के साथ थोड़ा थोड़ा अगर सबको देंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद, आपके लिए भी फ़ायदेमंद, और एक हमारा अचार का वैरायटी भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड देखिए हमारा अचार एकदम बन के एकदम रेडी हो गया है, और हमने कंटेनर जार में उसको रख दिया है। कंटेनर जार का मुँह उसका ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा करके उसको हम धूप में एक हफ्ते के लिए रेगुलर, या तो आप धूप में रखिए, धूप से उठा के फिर घर में लाइए फिर उसको धूप में रखिए, ऐसे आपको करना है। और एक हफ्ते में वो गल जाता है, अच्छे से खाने लायक हो जाता है। देख रहे हैं ना कितना अच्छा अचार देखने में भी लग रहा है, और जब ये गल जाता है ना तब इसका देखिएगा कलर, और बहुत अच्छा कलर आता है। मैं तो अभी बना ही रही हूँ इंस्टेंट, आपको दिखा नहीं सकती हूँ। जब ये गल जाता है तो बहुत अच्छा इसका कलर भी हो जाएगा, और ये इसके सारे मसाले इसमें भिन जाते हैं तो ये अचार एकदम बन के रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ नीरू किचन में। आप हमको कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसे लगती है। तो दोस्तों आगे नई रेसिपी के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। नमस्कार।